Hi, welcome back. RBI Grade B exam over the years has become one of the prestigious exams of our country. Thanks to the ever increasing popularity of RBI and the ever increasing competition in this exam, now cracking this exam is in itself one of the most difficult tasks in the lives of many aspirants and yet it's a dream job for many others. But is it really worth cracking it? Is this the best job for you? let me tell you there is nothing in this world which is best for everyone but if you really need to find out that is this the best job for you you need to evaluate it on certain parameters and find it by yourself let me start with the first parameter salary whenever we hear about the salary the first thing that has been put in our mind is 30 lakh ctc and then we start thinking isse kya, kya ho sakta hai will it be too much or too less for me while discussing on the salary front, we need to discuss it from two angles. What all we get and how much we get, and the second one is will it help me to lead a good life or will it be sufficient for me to lead a decent life? If I talk about the first point, how much you get and what all you get, if you see the notification itself, there it is mentioned that as part of standard salary and standard allowances, you get around 1,16,000 per month. But over and above that, you get a lot of allowances.

अपार्ट फ्रॉम दैट देस होंगी या फिर सैलरी अप्रेजल्स जो सारी इंप्लाइज की होती है वो भी होती है सो इट ऑलमोस्ट लाइक डबल्स एवरी फाइव टू सेवन ईयर सो अगर आप आज तीस लाख पे ज्वाइन कर रहे हैं दर इज अ गुड प्रॉबिबिलिटी दैट आफ्टर सेवन ईयर इट वुड बी सिक्सटी लैक्स पर एनम जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है इनफ्लेशन को भी साथ में लेना पड़ेगा सो so ये एक फिगर है कि आपको क्या क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है बट नाउ कमिंग टू क्वेश्चन दि सेट एनेबल इट बी सफिशियंट फॉर यू टू लीड अ गुड लाइफ अब देखिए थर्टी लैक्स सी में से अगर हम इन हैंड की बात करें देर वुड बी गुड नंबर ऑफ डिडक्शन सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा दस से पंद्रह हजार देन इनकम टैक्स अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड एंड इफ यू हैव टेकन अकोमोडेशन बाई आर बी एन योर एच आर एच इज अराउंड सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड विल ऑल्सो बी डिडक्टेड सो ये टोटल डिडक्शन वुड बी मोर देन वन लैक तो काफी बुरा लग सकता है कि तीस लाख में से मेरा बारह तेरह लाख तो सीधा ही डिडक्ट हो गया और उसके बाद कुछ अलाउंसेस हैं जो आपको मंथली नहीं पांच साल में एक बार मिलेंगे या तीन साल में एक बार मिलेंगे सो योर मंथली इन हैंड माइट बी समवेयर बिटवीन 1.25 टू 1.5 लाख सो यू माइट गेट लिटिल अपसेट बाय इट बट इज अनदर एंगल टू लुक एट इट के सवा लाख मिल रहा है डेढ़ लाख मिल रहा है और उसके साथ मुझे रहने के लिए घर तो मिल ही रहा है मेरी रिटायरमेंट की भी प्लानिंग चल रही है बिकॉज आई एम थ्रू माई एनपीएस और मैं इनकम टैक्स देके अपना सिटीजन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी कर रहा हूं सो दैट डिपेंड्स अगेन वॉट एक्सपेक्टेशन डू यू हैव फ्रॉम योर लाइफ एंड फ्रॉम दिस जॉब बाकी कमिंग टू द क्वेश्चन विल इट एनेबल यू टू लीड अ गुड लाइफ येस बट द डेफिनेशन ऑफ गुड डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दैट गुड इज अ डिसेंट लाइफ दैट अ मिडल क्लास लाइफ इफ यू रियली वू बिकम रिच जॉइनिंग दिस जॉब दैट इज नॉट पॉसिबल एट लीस्ट वाइल वर्किंग एट आर बी आई के आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो या बंगले हो ऐसा नहीं होगा मे बी यू विलीसेंट स्पोर्ट्स कार मे बी यूल एस यू बी मे बी यूलेंट फ्लैट बट बहुत बड़े सपने मत बुनिए सो दैट इज अबाउट दैलरी अब आप खुद सोचिए कि आपको इतनी सैलरी काफी रहेगी और उससे भी ज्यादा मैं तो ये बोलूंगा कि सैलरी अगर आपको कम भी लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट योर सेल्फ ऑन योर स्किल्स वेदर यू कैन मेक इट

तो यहाँ पे हायर लेवल पे ज्वाइन कर रही हो ये एडवांटेज है बट एट इज अबाउट ट्रांसफर्स एंड और ट्रांसफर्स और पोस्टिंग सुनते ही फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आर माइंड इज सर होम पोस्टिंग मिल सकती है नहीं अगर मिल सकती है तो कितने साल के लिए वेल आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नाउ Working in RBI transfers will become an integral part of your life. You will be transferred every five years, and that is going to pinch you a little if you are not a person who likes to now become unstable after a certain duration. jab jabbi aapka transfer hoga, you will be going to a new place. Naya ghar, ney log, naya office, naya shaher, ney friends, naya school. So all that can be problematic. But

टन डिले इन योर ट्रांसफर ओनली वंस इफ योर चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन क्लास इलेवन और दैट इज ओनली वन क्लॉज वेयर यू माइट बी अलाउड टू हैव डिलेज इन योर ट्रांसफर फॉर टू इयर्स अदरवाइज यू विल्सफर्ड और इन्हीं ट्रांसफर्स की वजह से शायद होम पोस्टिंग का प्यार और बढ़ जाता है तो पोस्टिंग की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल इफ यू गो बाई दीवियस दे हैव बीन पोस्टेड इन मुंबई अराउंडी परसेंट ऑफ द लास्ट बैच वॉज पोस्टेड इन मुंबई इट्स तो इनिशियल पोस्टिंग मुंबई में होने के बहुत चांस हैं इफ नॉट द इनिशियल पोस्टिंग इज अ गुड चांस दैट योर सेकेंड पोस्टिंग वुड बी इन मुंबई इनिशियल पोस्टिंग आपकी होम स्टेट में होना आई वुड से वुर इज अ जीरो चांस फॉर इट अनलेस एंड यू आर रियली लकी आपने कुछ सौ किलो प्रसाद चढ़ा दिया है तिरुपति में शायद आपको फर्स्ट पोस्टिंग होम पोस्टिंग मिल जाए बट आफ्टर दैट स्लोली एंड स्लोली दे विल स्टार्ट अप्लाइजिंग टू योर रिक्वेस्ट जब आप प्रेफरेंसिस देंगे ड्यूरिंग योर ट्रांसफर दैट यू वॉन्ट होम पोस्टिंग

स देर इज वन एक्सेप्शन इफ यू सर्व इन एनी सेंसिटिव एरिया फॉर एग्जाम्पल यू गो टू नॉर्थ ईस्ट एनी सेंसिटिव एरिया यू गो टू हायर नदरन रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज असिटिव एरिया एज पर दॉलिसी देन आफ्टर सर्विंग देअर यूल अदर चांस टू वर्क इन यूर होम स्टेट सो दैट माई टेक योर टोटल डोरेशन ऑफ वर्किंग इन अ होम स्टेट फ्रॉम फाइव प्लस फाइव टू टेन ठीक है तो ये एक

यहां पे आपको फिजिकली ब्रांचेस में विजिट करना पड़ सकता है यू माइट बी ट्रेवलिंग अ लॉट इन दिस प्रोफाइल अगर आप ऑन साइट ऑडिटिंग में है देन देर इज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सो वेन डॉस पीपल गो टू बैंक दे विल पीनालाइज देम आफ्टर दैट एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट विल मेक श्योर के जो भी उनको पेनल्टी लगाई गई है वो उनसे निकाली जाए

तो जो भी हमारे नेफ्ट आर टीजीएस यूपीआई है welfare, sure के जो भी आपका इकोनोमी में चल रहा है देयर शुड बी सम इनिशिएटिव्स टेकन बाय डिफरेंट बैंक्स थ्रू सम रेगुलेशंस और अदरवाइज के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में बढ़े एंड लास्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन

ऐसा नहीं है कि आपके बैकग्राउंड को देखा जाएगा या आपकी स्किल्स को देखा जाएगा वेरी पर्टिकुलर स्किल फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको शायद एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दे दिया जाए नीचली बट ओवरऑल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के कैसे रैंडमली वो डिसाइड किया और आपकी किस्मत कैसी जा रही है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं एंड एज आई टोल्ड यू इट्स नॉट अबाउट वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट थ्रॉड योर करियर गेट एक्सपोजर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इफ यू आज मी एनी टू थ्री डिपार्टमेंट वेदर इज लॉट ऑफ वर्कलोड तो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में रहता है अगर आप ऑन साइट ऑडिटर हैं यू विल बी गोइंग टू डिफरेंट सिटीज बहुत रहता है लेट नाइट ऑडिट होते हैं बिकॉज आपको टाइमलाइंस दी जाती हैं कि आपको इस डेट तक ऑडिट खत्म करना है देन डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट कैन ऑल्सो बी हेकटेक बिकॉज जो कैश का मूवमेंट है इट कैन हैपन एनी टाइम जो कैश का ट्रक आ रहा है इट कैन अराइव एट नाइन और टेन इन द नाइट, सो यू वुड हैव टू बी बी लिटिल हेक्टिक एंड थर्ड इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत करनी पड़ती है सो इट माइट बी द केस यू आर इनवाइटेड टू ऑन अ एंड ऑल्सो सो ये तीन डिपार्टमेंट है जहां पे वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है इफ यू मी अबाउट दी डिपार्टमेंट विच आर रियली गुड एंड कैन गिव यू गुड अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर

पेटीएम रेजर पे एंड ऑल दैट दे वॉन्ट पीपल एक्सपीरियंस इन दिस डिपार्टमेंट सो दे माइट बी रेडी टू हायर यू बाई गिविंग यू बिग पैकेजेस और एक और डिपार्टमेंट है डीलिंग मैनेजमेंट सो जो uh, इसमें डील करते हैं अपना डेट दे, दे, मार्केट में सो इन्वेस्टमेंट बैंक टू हायर दम अगेन एट बिग पैकेजेस ठीक है सो so ये कुछ डिपार्टमेंट है वेयर यू कैन हैव गुड एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन दी प्राइवेट सेक्टर बट आई मीन पीपल रियली लीव आर बी आई जस्ट फॉर मनी बाकी और रीजन हो सकते हैं किसी का फैमिली रीजन है हेल्थ रीज़न है या यूपीएससी क्लियर हो जाता है सो ट्रांसफर्स प्रोमोशन एंड एवरी थिंग आई थिंक आपको इतना इंफॉर्मेशन मिल गया है दैट यू कैन डिसाइड बाई यूट्स यू वट डज नॉट सूट यू एंड यू कैन अगेन टेक अ डिसीजन वेदर यू वॉन्ट टू रियली गिव दिस एग्जाम स्पेशली नाउ इफ दी इज आर लेस बाकी हमारा क्रैश कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी 2024 लाइव क्रैश कोर्स फेज वन एंड टू लाइव लाइव क्रैश कोर्स जिसमें सो आप हमारे वेबसाइट पे जाके डिटेल शेड्यूल एंड एवरीथिंग यू कैन सी देर वुड बी अराउंड थ्री स्लॉट्स एवरी डे वन फॉर फेज टू एंड टू फॉर फेज वन इन विच

एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वहां से मिल जाएंगे अबाउट दिस क्रैश कोर्स सो विद आई टेक योर लीव थैंक यू एवर नाइस डे विश यू बेस्ट ऑफ लक मेहनत करो कुछ बनो